भाई टेम्परेचर 50 प्लस हो गया, 50 प्लस। मैं पिछला स्टेशन भी स्किप कर दिया था, मन ही नहीं कर रहा बाहर निकलने को। एसी से एकदम बाहर आता हूँ ना, वैसे भी हालत बिगड़ने का चांस है। और अगर अब गौर से देखोगे ना, वैसे सिग्नल तो हुआ पड़ा है, लेकिन आगे जो नज़ारा आ रहा है ना भाई, इस रूट पे जो नज़ारा आ रहा है ना, एकदम बढ़िया। सिर्फ सब्जी और 3 चपाती उन्होंने बोला था सिर्फ 60 रुपये में। और गाड़ी रेनी गुंटा के आउटर पे का एक बड़ी अच्छी सी जगह पे आके खड़ी हो गई है यार, क्या कहें, मतलब इस रूट पे ना मज़ा बहुत आ रहा है। तो हाँ जी भैया, मैं हूँ अभी गुंटकल रेलवे स्टेशन पर। पिछली बार जो जर्नी मैंने जहाँ से ख़त्म की थी, मुंबई से नागरकोइल वाली मेरी बालाजी एक्सप्रेस है, मैंने पिछले पार्ट में यहाँ तक सफ़र किया था। पुणे होते हुए ट्रेन आई थी और जर्नी एकदम बढ़िया चल रही थी। जो मेरी जर्नी थी ना, वो मुंबई से नागरकोइल की लगभग 35 घंटे की जर्नी है, उसमें से हम लोगों ने लगभग 15 घंटे तो यहीं पे अभी बिता लिए। और अभी गुंटकल से नागरकोइल की जर्नी आपको दिखाऊंगा। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं इंद्रजीत फिर से उसी जगह से जहाँ से ख़त्म की थी शुरुआत कर रहा हूँ। महाराष्ट्र से निकल कर हमने 2-3 स्टेट्स पार की थी। पहले हम लोग महाराष्ट्र से निकले, मुंबई से निकले, पुणे, सोलापुर, महाराष्ट्र आ गया। उसके बाद आए कर्नाटका में, वाडी आया। उसके बाद तेलंगाना में आगे, फिर कर्नाटका आया, और अब जाके आंध्र प्रदेश में हैं हम लोग। चलो भाई, लगभग 10 मिनट रुकने के बाद अब ये गुंटकल से भी निकली है। वैसे ये इस रूट का मोस्ट बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। भाई गुंटकल के बाद क्या सीन आ रहा है, इधर लेक और उधर क्या, मतलब मज़ा आ गया यार सीन को देख के। और अभी कुछ टाइम पहले गाड़ी 130 मार रही थी गुंटकल के बाद, मज़ा ही आ गया यार देख के। भैया अभी हम लोग गुमटी जंक्शन को स्किप करने वाले हैं, इसका स्टॉप तो नहीं है। अब ये भी एक जंक्शन है, यहाँ से एक ट्रैक पेंडेकल्लू जंक्शन से आ रहा है और एक आनंदपुर साइड बाईपास होकर के लाइन आ रही है यहाँ पे। सो अभी जो आप वो वाले ट्रैक आते हुए देख रहे हो, वो कालूरू साइड से, कालूरू जंक्शन से आ रहे हैं और हमको ज्वाइन करेंगे, और वहाँ से एक बाईपास लाइन भी होकर के वापस से
स्कूटी की ओर जा रही है, मतलब अब धर्मावरम वाली रूट जो आ जाता है ना गुंतकल से धर्मावरम बीच में कलार हुआ, तो वहीं से बाईपास और कैसे आ रहे ट्रैक। मैंने देखा ये जो इलाका है ना ये पूरा चट्टानी सा इलाका है यहाँ पे, मतलब ऐसे पत्थरीला इलाका, पहाड़ एक तरीके से होता है ना कि दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता, वो वाला इलाका है जो ज़्यादातर है। बढ़िया फिर भी मतलब जो व्यू आ रहा है ना बाहर का वो अच्छा लग रहा है मेरे को, इसलिए मैं काफ़ी देर से गेट पर खड़ा हूँ। भैया लगभग पौना एक के करीब टाइम हो रहा है, ये करीब एक घंटे के करीब लेट ही है। तड़ी पटरी रेलवे स्टेशन पे पहुंची, आई थिंक मैं सही से प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ कि नहीं। बाय द वे ये उसी डिस्ट्रिक्ट में आता है, आनंदपुर कुडूर सिटी के बॉर्डर पे आता है, मतलब ये तड़ी पटरी टाइप जो टाउन है। यहाँ पर एक टेम्पल है चिंताला वेंकट रमन टेम्पल, जो कि 5 एकड़ ज़मीन पर ऐसा फैला हुआ है यहीं पर तड़ी पटरी पर। यहाँ पर गर्मी इतनी हो रही है ना, लगभग 38 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है यहाँ पर, अप्रैल चल रहा है अभी, भयंकर गर्मी है। सिग्नल हो गया भाई, चलो बॉस जाना ही पड़ेगा अभी। यार ये वाला चीज़ देख रहे हो ना सीन, यार दिल छू गया ये वाला सीन, मज़ा आ गया। लेक के किनारे किनारे ट्रेन चल रही है और मज़ा आ गया देख के, और साथ में आगे पहाड़ दिख रहे हैं, क्या सीन है।
किला पे खड़ी है। लो सिग्नल तो इसका हुआ पड़ा है, लगभग कह लो एक घंटा तो इसका डिले चल ही रहा है। बाहर टेम्परेचर 50 से ऊपर चल चुका है। मैं अभी बाहर आया था, मेरा बाहर आने का मन नहीं कर रहा, फिर अंदर आ गया। सो लगभग 1.25 घंटा डिले है और अब ये पहुंच रही है कड़प्पा। कुड़प्पा भी बोला जाता है, कुड़प्पा कड़प्पा। यार वैसे स्टेशन देखोगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा है। अब भाई थोड़ा सा ना देख लेना अगर मैंने स्टेशन को सही से प्रोनाउंसिएट नहीं किया। देखो जब मैं इस ऐप से ट्रैक कर रहा था लोकेशन ट्रेन की, तो उसमें कुड़प्पा लिखा हुआ है, स्टेशन का नाम यहाँ पे लिखा कड़प्पा लिखा है। आता तो कड़प्पा या कुड़प्पा, देखो पहले इसको कुड़प्पा ऐसे CUC से शुरू होता था, अब कड़प्पा है, KSAKDAPI ऐसे ऐसे रेलवे स्टेशन है। स्टेशन कोड HX है इसका। भाई टेम्परेचर 50+ हो गया, 50+। मैं पिछला स्टेशन भी स्किप कर दिया था, मन ही नहीं कर रहा बाहर निकलने को। AC से एकदम बाहर आता हूँ ना, वैसे भी हालत बिगड़ने का चांस है। ज़्यादा रुकी तो नहीं, सिग्नल हो चुका है। हालांकि कड़प्पा से एक बहुत ही फेमस ट्रेन चलती है जी, हाँ तिरुमला एक्सप्रेस, यहाँ से जाती है तिरुपति होते हुए विशाखापट्टनम। लेकिन मैंने सुना उसकी बुकिंग बहुत मुश्किल से मिलती है, मैं चेक भी किया था, बहुत पॉपुलर ट्रेन है वो। वहाँ से जो भी लोग तिरुपति जिन्होंने जाना होता है ना विशाखापट्टनम साइड से जो आते हैं उसी को प्रेफर करते हैं मोस्टली लोग। और अगर अब गौर से देखोगे ना, वैसे सिग्नल तो हुआ पड़ा है, लेकिन आगे जो नज़ारा आ रहा है ना भाई, इस रूट पे जो नज़ारा आ रहा है ना एकदम बढ़िया है। और पहाड़ जो देख रहे ना सामने वाले, दिल छू गए यार। हालांकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, मोस्टली तो समोसे ही मिल रहे हैं अभी सब लोगों के पास, यही दिखा मेरे को तो। वैसे मैंने तो दोपहर का कुछ खाया भी नहीं, मन ही नहीं किया यार खाने का, फ्रूट्स ले लिए था बस वही खा लिए। अभी रात में कुछ देखूंगा या शाम को रेनीगुंटा साइड से कुछ आऊँगा तो देखूंगा। रेनीगुंटा से याद है हमारी जो ये वाली ट्रेन है ना, ये बालाजी है, ये रेनीगुंटा होके जाती है। एक जो और है ना 16339, वो जाती है वाया काटपाटी होके, उसका गुंटकल से अलग रूट हो जाता है धर्मावरम साइड से। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, ये थोड़ा कम टाइम लेती है उससे, 3 घंटे का फर्क है बस। हो गया यार सिग्नल, चलो। लेकिन यार एक बात है, मेरे को ना जनरल कोच वालों पे ना बहुत वो हो रहा है कि यार ये लोग इतनी गर्मी में ट्रैवल कर कैसे लेते हैं। यहाँ स्लीपर वाले भी यार सल्यूट है इन लोगों को, यार इतनी गर्मी में ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ हो सकता है इन लोकल लोग, इनको आदत होगी इतनी गर्मी में। चलो ऐसा नहीं कि मैं इतनी गर्मी नहीं सह सकता, मैं जहाँ रहता हूँ लुधियाना वहाँ भी बहुत गर्मी पड़ती है यार। लेकिन ये है कि अब जर्नी के दौरान ना मुश्किल होता है यार, और ऊपर से वो भी खाना पीना भी देखना पड़ता है। देखो भैया ये नज़ारा आ रहा है अब, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इसको बयान कैसे करूँ।
सो भैया शाम के बज रहे हैं 4 और गाड़ी रेनी गुंटा के आउटर पर आके एक बड़ी अच्छी सी जगह पे आके खड़ी हो गई है। यार क्या कहें, मतलब इस रूट पे ना मज़ा बहुत आ रहा है। रूट क्योंकि है ही बहुत अच्छा और खड़ी भी एकदम बढ़िया लोकेशन पे हुई है ट्रेन आकर के। वैसे मैंने देखा है यार वाडी के बाद ट्रेन 130 पकड़ रही है, वाडी से लेकर आई थिंक रेनी गुंटा तक तो इसका 130 है ही, और इस रूट के बीच में भी ना, लेकिन ये 130 आई है तो मतलब जैसे ही आई तो ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं आई, आई है तो मतलब 10-15 मिनट बाद फिर वही स्पीड, मतलब आई है तो 5 मिनट बाद फिर नॉर्मल ऐसे 110 या उससे भी कम। तो ये काफ़ी देखने को मिला है अब तक। हालांकि ट्रेन अभी थोड़ा बहुत कवर कर चुकी है, मतलब कड़प्पा पे पहुंची तो 1 घंटे से ऊपर लेट थी, अभी कुछ 28-29 मिनट ऐसा कुछ लेट चल रहा है इसका, तो थोड़ा बहुत कवर किया क्योंकि अभी लगातार दौड़ती है ये कड़प्पा से अब तक। तो भैया आराम से। सो भैया शाम के 4:20 से ऊपर टाइम हो गया, कुछ लगभग 32 मिनट लेट है अभी। रेनी गुंटा यानी तिरुपति में आ चुके हैं हम लोग, और तिरुपति की मैं क्या बात करूं, अब यहां से जो है, अब कुछ लोग क्या कि यहीं से बहुत सी ट्रेन खाली हो रही है हमारी, ऑब्वियसली बात है लोग तिरुपति दर्शन करने आते होंगे तो यहीं पर उतरते हैं हम। अब देखो जिसके लिए जहाँ से अब तिरुपति के लिए ट्रेन ही ना, वो रेनी गुंटा उतर सकते हैं। रेनी गुंटा से भी मैंने चेक किया है, जो तिरुमाला जो टेम्पल है ना यहाँ से 36 किलोमीटर है, और यहाँ से 10 किलोमीटर रेलवे स्टेशन है अगला मेन तिरुपति मेन। सर ये रेनी गुंटा इस रूट का बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, बेसिकली तिरुपति से ज़्यादा ट्रैफिक तो यहाँ से आता है क्योंकि यहाँ से काफ़ी ट्रेनें पास होती हैं, और ये जंक्शन है, 4 अलग अलग रूट आगे मिलते हैं यहाँ पे। एक हम लोग जहाँ से आ रहे हैं ना कड़प्पा होते हुए, एक यहाँ से गुडूर से लाइन आ रही है, और एक जहाँ पर जाएंगे हम लोग यानी अरक्कोरम साइड में जाएगी, और एक और यहाँ से जो मेन तिरुपति रेलवे स्टेशन है वहाँ से। वैसे मैं यहाँ से कुछ ढूंढ तो रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं अपनी कोच से काफ़ी पीछे आ चुका हूँ, स्लीपर के पास कुछ मिला तो है नहीं, देखता हूँ अगर 5-10-2-3 मिनट वेट करता हूँ नहीं तो कुछ भी लेकर चढ़ जाऊँगा यार। वैसे भी दोपहर का मैंने लंच भी नहीं किया। समोसा दे दो। कितने में? वड़ा, दाल वड़ा। तो भैया 2 समोसे और 1 वड़ा लिया, 50 का यहाँ मिलता है। चलो अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो भैया तिरुपति से तो वैसे निकल चुकी थी हमारी ट्रेन, मतलब चलने वाली थी, उसके पहले ही मैं अंदर एंटर किया था, और समोसे हैं और यही तो वजह से, समोसे मैंने सुना प्याज वाले होते हैं ना, प्याज वाले ना, और बाकी तो ये वड़ा होता है, ये पता नहीं किस चीज़ का होता है, आई थिंक ऐसे मैंने दाल वड़ा होता ना, पहले मैंने खाया है ये वाला, ये मैंने कोझीकोड पे खाया था ये वाला। तो बस ये है भैया इवनिंग स्नैक्स, ये हमारा चाय है, मतलब चाय ना काली हो चुकी काफ़ी क्योंकि डिप ना अंदर ही पड़ी हुई थी, और आदम मेरे को पीछे से पिछले वाले कोच में चढ़ा, अभी भी 3 टायर में बैठा हूँ वैसे तो अपने कोच में कहाँ हूँ मैं। बाकी अगर अब तोड़ के देखूँगा ना इसको तो ये बड़ा हार्ड सा होता है, वहाँ जैसा नहीं होता जैसे नॉर्थ इंडिया में मिलता है, यहाँ के समोसे अलग ही होते हैं। पाँच बजकर 24 मिनट हो रहे हैं, तिरुतंदी पहुंची है, TRT कोड है, मतलब तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली आ चुके हैं हम लोग। भाई एक बात बताऊं, अभी जो भी सीन निकला है ना भाई मैं मिस कर गया, मैं अपना चाय वगैरह पीने में लगा हुआ था, लेकिन जो भी हो इतना मज़ा आया ना, मतलब झील के बीच में से ट्रैक जा रहे हैं, जो साइड वाला जो डाउन ट्रैक था ना, मतलब ऐसा लग रहा था झील में से जा रहा वो ट्रैक, मज़ा आ गया यार। बस एक बात तो मैंने पता कर ली, इस रूट पर दोबारा आना बनता है, कोशिश करूँगा आने की, सिग्नल भी होगा बॉस।
वैसे कवर कर रही है थोड़ा बहुत, ज़्यादा लेट नहीं है, कुछ 29-30 मिनट होगी, ज़्यादा नहीं होगी। चलो अब तिरुतनी से भी निकली है, अभी देख लेना मैं सही से प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ कि नहीं। जहाँ तक मुझे लग रहा है इसको तिरुतनी ऐसे ही प्रोनाउंसिएट कर देंगे, लोकल लोग शायद हो सकता है उनका अलग प्रोनाउंसिएशन हो। मैं जब इसमें बुकिंग करवाने लगा था ना, तो मैं सोचा था यार जिस दिन मैं आ रहा हूँ उस दिन वो वाली नहीं है, जो बालाजी नहीं, जो दूसरी जाती है ना वाया काटपाटी हो गए, जो ज़्यादा टाइम लेती, मेरी कोशिश थी उसमें करवाऊँ क्योंकि ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँगा। लेकिन अब जो ये रूट मैंने देखा ना, वो कहता ना जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, मेरे को इसमें उस दिन ये वाली ट्रेन आ रही थी जो हफ्ते में 2 दिन है, तो मैं अब सोच रहा हूँ कि यार अच्छा किया उसमें नहीं गया मैं। लगभग शाम के बजने वाले हैं 6 और गाड़ी ने पहुँचा दिया अरक्कोरम पे। AJJ कोड है और तिरुवल्लूर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, तमिलनाडु के। बेसिकली अब सीन क्या है यहाँ पे, इस ट्रेन का वैसे पहुँचने का टाइम पता कितने बजे था, 5:25 का टाइम था और 6 बजे डिपार्चर था, 35 मिनट का ऐसे ही हॉल्ट था यहाँ पे। अब इसका रीज़न भी है क्योंकि यहाँ से लोको निकल के अभी पीछे भी जाना है। सो बॉस ये वाला अब लोको निकल के फिर वापस जा कर के ही लगेगा। यार लोको बहुत कमाल का है, हॉन्ग तो और भी कमाल का इसका यार। देखो हमारी ट्रेन का क्या है, आई है बेसिकली देखा जाए तो, अब देखो मैं आपको पूरा डायरेक्शन से समझाता हूँ। इस साइड चेन्नई है मेरे, इस साइड बेंगलोर साइड है, हम लोग ऐसे आए हैं और ऐसे साइड को इस साइड निकलेंगे। बेसिकली हम लोग ऐसे 4 ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बन जाता है बेसिकली, तो रिवर्सल आगे ऐसे आए हैं और ऐसे जाएंगे अब हम लोग, तो इस साइड को निकल जाएगी हमारी ट्रेन। 4 अलग अलग मतलब इस साइड चेन्नई से आ रहा है और इस साइड बिल्कुल काटपाड़ी होते बेंगलोर जाएगा। हम लोगों ने ऐसे होकर चेंगलपट्टू साइड निकल जाना है और एक तो तिरुपति साइड से हम लोग आ ही रहे हैं और फिर यही जा करके अब पीछे लगेगा, यानी अब हमारा कोच आगे की ओर था, अब इसके लगने के बाद पीछे को आ जाएगा। सो भैया अभी 6:30 से भी ऊपर टाइम हो रहा है और अब निकल रही है ये अरक्कोरम से रिवर्सल लेकर के। हालांकि इसको निकल तो 15-20 मिनट तक चुककर चाहिए था, लेकिन ये क्या करे इतने 40 मिनट के करीब टाइम लगा दिया। अभी ये सीधा ट्रैक काटपाटी की ओर निकल गया और हम लोग चेंगलपट्टू साइड डाइवर्ट हो गए यहाँ से। सो राइट नाउ 7:50 हो रहे हैं, चेंगलपट्टू पे पहुंची है, CGL कोड है, कुछ 9 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, आप सोचो इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है। और इस रेलवे स्टेशन मतलब इस रूट का तो मेन बिजनेस रेलवे स्टेशन है। अब मैं बताता हूँ सीन क्या है, अब हम लोग आ रहे हैं अरक्कोरम होके, ठीक है, और जो चेन्नई से इस साइड ट्रेन आती है ना, वो पता क्या, वो तांबाराम साइड से होकर के मेन ट्रैक से आती हैं और ऐसे ट्रैक्स वो साइड से आ रहे हैं
हम लोग ऐसे आए हैं इस साइड से, राइट साइड से हम आए और लेफ्ट साइड से वो ट्रैक आ रहे हैं चेन्नई वाले, तो इसीलिए जंक्शन है और सीधा तो एक रूट जा ही रहा है जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं, तो तीन जगह के रूट्स बन जाते हैं। यहाँ का एक कांडा स्वामी टेम्पल बहुत फेमस है जो कि यहाँ से कुछ 26 किलोमीटर दूर है चेंगलपट्टू से, जो कि हिंदू गॉड मुर्गन की यहाँ पे पूजा की जाती है। ज़्यादा रुकी तो है नहीं यार, मुश्किल से 2 मिनट रुकी होगी, लो हो भी गई मूवमेंट। सो भैया चेंगलपट्टू के बाद तो पूरा मेरा कैबिन खाली है, मैं ही हूँ अभी इसमें, मतलब कल पुणे से पहले मैं था और अब चेंगलपट्टू के बाद तो मतलब नागरकोल तक मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई आने वाला है। खैर मेरा जो डिनर है वो मैंने पेंट्री से मंगवाया था इस बार, और ये पहली चीज़ है जो मैंने पेंट्री से ऑर्डर की है। वैसे तो चाय वगैरह तो पेंट्री से पी थी, लेकिन फूड वगैरह में, मील वगैरह में ये फर्स्ट चीज़ है। और एक चीज़ मैंने देखी है, ये जो मील है ना ये सिर्फ सब्जी और 3 चपाती उन्होंने बोला था सिर्फ 60 रुपये में, तो चलो ये भी सही है, अगर मैं फुल मील मंगवाता तो 80 का पड़ता या फिर ये लोग ज़्यादा भी चार्ज कर सकते, लेकिन इन्होंने सही रखा है क्योंकि अभी सुबह तो पहुंच जानी है वैसे भी। अच्छा अगर इसको मैं खोल के देखूं तो देखा है तो खोल के मैंने कि ये वाले जो सब्जी है ना ये मटर है और आलू लग रहे मेरे को, हाँ आलू और मटर की सब्जी है। क्वांटिटी देख सकते हो 3 रोटी के हिसाब से तो ठीक है, बहुत अच्छी क्वांटिटी है और 3 रोटी है, और रोटी भी मतलब मैं कहूँगा जैसे हम लोग नॉर्थ में खाते वैसी नहीं, लेकिन फिर भी सही है, बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है प्रसादा टाइप लग रही, जैसे गुरुद्वारे में लंगर में सर्व होती है ना वैसे टाइप लग रही। चलो जो भी है रोटी इन्होंने अच्छी दी है, मतलब फूड अच्छा सर्व किया इन लोगों ने, और 60 रुपये के हिसाब से बुरा नहीं है यार ये एक पर्सन के लिए, टेस्ट में सही है मैं कह रहा हूँ, सही 60 रुपये के हिसाब से ना ये बेस्ट खाना है। हालांकि ये कि सब्जी में ना थोड़ा बहुत ना तीखापन थोड़ा सा है, इतना नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तीखापन तो है, चलो इतना तो एडजस्ट हो जाएगा, इनफ है यार आज के लिए। तो वेंटर जो मेरे को डिनर देने आए थे, तो मैंने कहा जब मैं ले रहा था अपना डिनर, तो मैंने कहा आपके पास ऑनलाइन पेमेंट वाला है ऑप्शन गूगल पे वगैरह, तो कह रहे अभी आप कैश दे दीजिए मैं कुछ टाइम तक आऊँगा और फिर आपको मतलब आप मेरे को गूगल पे कर देना मैं आपको कैश दे दूँगा 500 हज़ार जितना भी करोगे, तो वो आ गए थे मेरे पास। मैंने कहा मेरे को वो नहीं चाहिए, मैं आपको 500 देता हूँ बस आप मेरे को चेंज दे दो उसका, तो वो चेंज देकर गए मेरे को 500 की, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, वैसे कोई देता नहीं है आजकल चेंज, वो मेरे लिए आकर के मेरे को चेंज भी दे गए। ये वैसे पेंट्री स्टाफ यहाँ का अच्छा भी है मैंने देखा है, लेकिन कल वाला जो मेरे को मिला था ना वो पेंट्री स्टाफ नहीं था, वो बाहर से ही कोई चढ़ा था जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे को पहले गलत फहमी हो गई थी कि वो पेंट्री का स्टाफ है, वो नहीं था क्योंकि इनकी यूनिफॉर्म अलग है उसकी अलग थी। भाई मेरा कैबिन तो अभी खाली पड़ा है, बाय द वे अभी TD1M पे पहुंची है, TMB कोड है भाई, मैं यहीं पे खड़ा हूँ अभी, अंदर कोई है नहीं इसलिए मैं बाहर कम ही आ रहा हूँ अभी, रात में खाली हुआ पड़ा है ना, कल भी मैं मतलब बाहर आ रहा था, मैं जब इस तरफ प्लेटफॉर्म आता ना मेरे जब जहाँ पे कंपार्टमेंट है तो मैं बाहर आता हूँ। बाकी हम विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट में अंदर ही हैं, मतलब आई अभी है और अभी विसल हो भी गई है इसकी, चल भी अभी पड़ी है। काफ़ी लोग यार यहाँ पे भी उतरे हैं हमारी ट्रेन से, TD1M तो 9:15 हो रहे हैं और तब जाके विलुपुरम पे पहुंची है। अभी स्टेशन कोड VM है, मतलब कुछ 15 से 20 मिनट अपना शेड्यूल से पीछे चल रही है, और मैंने देखी है विलुपुरम पे अभी ये पहुंची 1348 किलोमीटर इसने अभी कवर किया है, तो टोटल 1938 कुछ कवर करना है, मतलब अभी भी काफ़ी डिस्टेंस पड़ा है, तो सुबह पहुंचेगी। मैंने एक बात नोटिस की है कि जब ये ट्रेन तमिलनाडु स्टेट में एंटर कर किया था इसने कुछ 5:30 के बीच, जब रनिंग उनका निकली थी उसके बाद पहला उसके बाद अगला 24 का तमिलनाडु स्टेट में था, तब इस ट्रेन ने कुछ 1100 कुछ किलोमीटर कवर किया था और टोटल जो डिस्टेंस है वो 1948 किलोमीटर है, यानी 750 किलोमीटर के करीब ये तमिलनाडु में ही रह रही है, सबसे लंबा डिस्टेंस तमिलनाडु स्टेट में ही है इसका। ये विलुपुरम पे भी मैं बस अपने कोच के विंडो के पास खड़े होकर ही बोल रहा हूँ बॉस, क्योंकि सामान भैया मेरा अंदर ही पड़ा हुआ, आप देख ही सकते हो अंदर कोई भी नहीं, बाकी सभी कूप में रहें सिर्फ मेरा ही खाली हुआ है इस टाइम पे। तो वैसे तो ये ट्रेन अभी बस विलुपुरम से चलने ही वाली है, लेकिन एक चीज़ मैं दिखा दूँ यार, वॉशरूम कंडीशन अभी बिल्कुल सही नहीं है इसकी, मैंने चेक किया है, देखो वैसे साफ है मेरे को वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोप है ही नहीं, मैं देखो एसी कोच में सोप आता है, अब देखो इसमें कल का यही हाल है। ये मैं डे 2 का अभी विलुपुरम से बस थोड़ी मूवमेंट हुई तब की बात कर रहा हूँ, पानी तो चलो आ रहा है
सोप वगैरह कुछ है ही नहीं, मैं ये देख के हैरान हूँ यार। देखो बाहर मिल जाएगा, जो बाहर वाला सिंक है ना वॉश बेसिन, वहाँ पे सोप रखा था लेकिन अभी भी वो खत्म है, पहले रखा हुआ था वो खत्म हो चुका है और है भी बिल्कुल पतला सा, वो बहुत लगाना पड़ता है यार, बिल्कुल पतला सा, मतलब समझ ही सकते हो क्या हालत होती होगी। इसमें तो फिलहाल नहीं है डस्टबिन, तो चलो नीचे खाली है और अंदर भी कुछ नहीं है, बस अंदर से ये खाली पड़ा हो, बस अंदर कुछ नहीं, ये कुछ हाल है यार इसका। यार वॉशरूम का मेंटेनेंस कुछ नहीं, हालांकि कोच की साफ सफाई फिर भी थोड़ा बहुत हो रही है बीच बीच में, बस बाकी तो यही कुछ मैंने आपको दिखाना था। ओवरऑल कहूँ तो मतलब ट्रेन वैसे सफर के लिए ठीक है, लेकिन अब ऐसी हालत है तो आप समझ सकते हो क्या हाल होता है जर्नी में, और मेरी तो है भी लंबी जर्नी, काफी एंड टू एंड कर रहा हूँ मैं तो। चलो बॉस अभी आज के लिए इतने रहने देता हूँ, वैसे भी अकेले ही ना तो सामान वगैरह का ज्यादा ध्यान रखना है, सुबह मिलता हूँ आपसे कुछ, वैसे तो मेरे कल तो इसने 7 बजे पहुंच जाना है, 7 बजे से पहले उतार देगी क्योंकि मैंने पिछली भी लोकेशन ट्रैक की है, बिफोर ही पहुंच जाती है, तो 5:30 बजे के करीब मेरे को उठना पड़ेगा। ये ना हो कि मैं 7 बजे तक सोया रहूं और कोई अटेंडेंट आके मेरे को उठाए कि सर आपका नागर को ला चुका, उठ जाओ, ऐसा मेरे साथ एक बार हो भी चुका है तो मैं नहीं चाहता दोबारा हो। चलो अभी जल्दी बेड वगैरह तो वैसे ही लगा हुआ है, सोने की करता हूँ बस अब मैं। तो भैया ये है day 3 हमारा नागर कोयल यानी कन्याकुमारी से, इसका टाइम था 7:10 का, 7 बजे ही पहुंच चुकी है, यानी 7 बजे से तो 1-2 मिनट पहले ही पहुंच चुकी है, तो टाइम की पंचुअल है ट्रेन, कहाँ कल 1.5 घंटे के करीब भी लेट हो गई थी और कहाँ आज टाइम से बिफोर ही अपनी डेस्टिनेशन पहुंचा दिया है, स्लैक ज़्यादा होगा। बाकी ये थी मेरी इस बालाजी एक्सप्रेस का part 2 की जर्नी बेसिकली, तो अगर आपने फुल वीडियो देखनी है, अगर आपने part 1 नहीं देखा होगा तो आई बटन में लिंक दे दूंगा ऊपर में आपको मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप पहले वो भी देखें। अब 3 तरह की क्लासेस हैं टोटल, स्लीपर, 3rd AC, 2nd AC। स्लीपर का 750 रुपये फेयर है मुंबई से यानी कन्याकुमारी नागरकोल तक का, और 3rd AC का कुछ आपको लगेगा 2000 के करीब, 1990, और 2nd AC जिसमें मैंने ट्रैवल किया उसका कुछ 2890 लगेगा, ये कुछ सीन है इसका फेयर का। और हाँ 8 स्लीपर है, 5 3 टायर है, 1 ही 2 टायर है इसमें, स्लीपर के फिर भी मैं कहूँगा ज़्यादा कोचिस है, चलो ये ठीक है। तो कुछ 34 घंटा 35 मिनट के करीब की जर्नी यहीं ख़त्म होती है, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, लाइक नहीं करते आप लोग, फिर मिलूंगा नेक्स्ट जर्नी में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।